अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी एक चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। निजामी चिकन जो बहुत लाजवाब बनती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट और कम समय में ये बहुत ही अच्छी और एकदम टेस्टी निजामी चिकन बनके तैयार होती है। देखिए माशाल्लाह बनती है, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम बनाते हैं निजामी चिकन। निजामी चिकन बनाने के लिए देखिए मैंने 500 ग्राम से चिकन ले लिया, इसको अच्छे से मैंने साफ़ धो लिया। अब इसके अंदर हम 250 ग्राम दही डालेंगे। दही हमारा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए, मिला जुला दही होना चाहिए। अब इसमें 3 बड़े चम्मच भर के हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसमें सूखे पाउडर मसाला डालेंगे, 1 चम्मच कुटा हुआ जीरा, 3 चम्मच मिर्ची, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। गरम मसाला आप अपने हिसाब से कोई भी कंपनी का डाल सकते हैं, चिकन मसाला भी डाल सकते हैं। ये मैंने आधा नींबू का रस डाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। चलिए आधा घंटा हो गया हमारे चिकन को भीगते हुए। अब हमने तेल ले लिया है 2 बड़े चम्मच, ये सूखे पाउडर, सूखे मसाले 1 चम्मच, जीरा 10-12 लौंग है, 10-12 काली मिर्ची, 3 हरी इलायची है, जावित्री का 1 टुकड़ा है, 1 स्टार फूल है और 2 दालचीनी है। अच्छी तरीके से हम मसालों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर हमारे तेल में आ जाए। बस अब इसके अंदर हमारे जो मेरीनेशन करी हुई चिकन रखी है वो डाल देंगे। आराम से डालेंगे, बिल्कुल आहिस्ता से, ताकि हमें छींटे ना उड़े। सारी चिकन डाल देंगे इसके अंदर। चलिए चिकन हमने इसमें डाल दी है और इसकी गैस हम तेज रखेंगे, इसको लो पे नहीं, हम तेज आंच पे ही करीब इसको हम 4 से 5 मिनट भून लेंगे। गैस मध्यानी करेंगे, अभी हम तेज आंच पे ही इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे और कवर भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा चला लेंगे। बस इस तरीके से तेज आंच पे 3 से 4 मिनट इसको हम इसी तरीके से भून लेंगे पैन के अंदर। चलिए हमारी चिकन भुना गई है। 2 मैंने प्याज लेके इसका बिरस्ता बना लिया था, फ्राई कर ली थी इस प्याज को मैंने, और इसको मैंने मिक्सी के अंदर बस एक ही बार चलाया, ज़्यादा नहीं चलाया, बिल्कुल दुरमुरा सा इसको कर लिया है। और ये भी हम इसी में डाल देंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, इसको भी एक अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। देखिए बढ़िया से हमारी चिकन और दही और प्याज मसाले सब मिक्स हो चुके हैं। बस अब इस वक्त इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीब 4 से 5 टेबल स्पून, क्योंकि दही पानी छोड़ेगा, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी और इसी में इसको गलना है, इसी में इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। बस इसी को पानी में मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से, और हम इसको कवर करके 15 से 20 मिनट पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि अंदर चेटे ना। और ये मैंने 10 से 15 काजू ली है, इसको मैंने गर्म पानी में छिलका उतार लिया, भिगा के अब इसको हम दुरमुरा सा चला लेंगे मिक्सी के अंदर, चिकन कवर कर देंगे। माशाल्लाह ये देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, बीच बीच में हमने इसको चलाया भी था और ये बिल्कुल गल चुकी है। ये देखिए हड्डी से गोश्त बिल्कुल अलग हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हमारी चिकन, दही और मसालों के साथ बहुत बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही है। इस वक्त अगर आप चाहो तो इसमें केवड़ा वाटर डाल सकते हैं। अब मैं ये पीसी हुई काजू डालूंगी, दुरमुरी कोट ली है मैंने, इसको बारीक नहीं करना है, बस इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना और हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया और काजू डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको भी मिक्सी में एक ही बार मैंने चलाया है, ज़्यादा नहीं चलाया है, महीनी करना है, खाते वक्त हमारे मुंह में आएगी तो बहुत ही टेस्ट इसका लाजवाब हो जाएगा। बस इसको कोथमीर और बादाम के साथ हम अच्छे तरीके से मिक्स करके कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी बहुत अच्छा उभर के आ जाएगा। बस कवर कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी चिकन बनके तैयार है। निजामी चिकन बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लग रही है। इसकी ग्रेवी देखिए बिल्कुल थिक ग्रेवी रहती है इसकी,
बस इस तरीके से ये बन के तैयार है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।